फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आपकी तैयारी, संगणक एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे। एंड जैसे कि इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकेश पांचाली सर की जो एमसीक्यू क्वेश्चन की जो बुक है, जो अभी सर ने कॉम्बो लॉन्च की है, उसके बारे में बात करेंगे, उसका रिव्यू भी करेंगे। मेरे पास ये बुक आ चुकी है, ये देखो तीनों बुक्स आ चुकी हैं मेरे पास, तो इसके बारे में बात करेंगे। और मैं बताऊंगी आपको कि आपको एक बुक क्यों खरीदनी चाहिए, आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है, क्योंकि सर मुकेश पांचाली सर है वो यूट्यूब पे सारे वीडियोस का सॉल्यूशन कर दिखाते हैं, क्वेश्चन सारी बुक का सॉल्यूशन करते हैं, तो क्या सारी हमारी कंटेंट अगर यूट्यूब पे मिल जाएगा तो हम बुक को क्यों खरीदें? सबसे पहले हम बुक की बात कर लेते हैं, तो बुक का रिव्यू कर लेते हैं, बाद में आपको बताएंगे, बात करेंगे। तो ये रही हमारी जो एमसीक्यू क्वेश्चन वाली बुक है ये, तो इसमें 5830 पूरे क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो फर्स्ट है सांख्यिकी, फिर अर्थशास्त्र के क्वेश्चन है, फिर गणित के हैं, फिर कंप्यूटर के हैं। तो इसमें ऐसे दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का सी आंसर है, तो सी आपको सही है ऐसे था। लास्ट में मतलब पूरी डिटेल से नहीं दिखा, जैसे कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन होता है तो उसका हमें पूरी डिटेल से करना होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मान लो, तो इसका पूरे अच्छे तरीके से मतलब डिटेल में नहीं दे रखा, वो आपको इसके उसके लिए आपको यूट्यूब पे ही देखना पड़ेगा, यूट्यूब पे ही देखना पड़ेगा, इसलिए आपको यूट्यूब की क्लास लेनी होगी। और इस बुक का दिखाते हैं फिर, वैसे बुक अच्छी है, ये देखो करंट अफेयर की बुक है, तो करंट अफेयर में हम ये देखो राजस्थान का करंट जीके, फिर भारत व विश्व का, फिर आर्थिक समीक्षा, इसमें भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये देखो, और ये है 21 मॉडल पेपर, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। ये देखो 18 मॉडल पेपर हैं और 21 हैं प्रीवियस क्वेश्चन के, ये देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इसमें 18 मॉडल पेपर हैं, तो आपको देख लेते हैं। इसमें भी सॉल्यूशन के लिए डिटेल से नहीं देखा, अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप ऐसे ही देख लेंगे, क्वेश्चंस वगैरह देख रखे हैं। जैसे 18वां मॉडल पेपर है तो इसके लास्ट में आंसर की दे रखी है, देखो इसका वैसे सॉल्यूशन नहीं दे रखा पूरा, वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर डाल देंगे। तो बुक के रिव्यू के बाद में हम आते हैं अपने वापस उसी टॉपिक पे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बहुत अच्छी से तैयारी कर रखी है, 2-3 बार सिलेबस को कवर कर रखा है, तो उनको ये बुक की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उनको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है अभी, तो प्रैक्टिस के लिए बुक इनफ है। इसके अलावा शायद ही कुछ आए, वैसे 5-7 क्वेश्चन तो ऐसे हो जाते हैं जो मतलब किसी को नहीं आते, उनको छोड़कर बाकी सही है। आपका जो बेसिक है वो भी अच्छा हो जाएगा, कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े, तो को भी आप देखिए कर सकते हो। इसको सॉल्यूशन करने के प्रैक्टिस करने के लिए आपको ये बुक अच्छी है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यूट्यूब पे आप क्लास लोगे तो एक क्लास कम से कम 1-1.5 घंटे की है, वो भी इसमें 15-20 क्वेश्चन ही कवर होते हैं, क्योंकि उसमें सर पूरी डिटेल से बताते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वो क्लास लेने की जरूरत नहीं है। बस ये क्वेश्चन ये बुक पढ़ लो, काफ़ी है। और जिन भी विद्यार्थियों की मतलब तैयारी थोड़ी बहुत है, कम है, या फिर उन्होंने सिर्फ एक बार सिलेबस पढ़ा है, तो उनको तो यूट्यूब पे वीडियो देखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ऐसी बुक में इतना सॉल्यूशन मतलब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो बाद में अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो इस बुक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन करने के बाद में आपको यूट्यूब पे क्लास लेने की जरूरत नहीं होगी, यूट्यूब पे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है वैसे, 1-1 घंटे 15-20 क्वेश्चन के लिए आपको 1-1.5 घंटे मतलब वेस्ट करने होते हैं। बाकी अच्छे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर वैसे, और जो टेस्ट सीरीज है वो भी 51 रुपये की दे रहे हैं, तो काफ़ी सस्ती है और अच्छे भी हैं क्वेश्चन। स्टेटिक्स और इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, शायद ही इनके लेवल का मतलब कंटेंट कहीं मिले आपको। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पर्सनली सर को नहीं जानती हूं, लेकिन उनका काम देखकर मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूं। और आप अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी है तो आप ये बुक ज़रूर ले लें, अभी ले लें, और आप ऐसी निरंतर तैयारी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।